होली स्टार्ट हो गई है तो आरओ के निकल गई है। देखिए पिचकारी एक दो, ये भी पिचकारी है। हैप्पी होली। तो होली हो गई है तो आज से शुरुआत। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चला हुआ है काम, ये देखिए अभी लगता है इसमें थोड़ा और टाइम। हेलो दोस्तों, फिर से नए दिन में नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आज क्या क्या होता है हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैंने जाना है फिर से काशीपुर, क्योंकि काशीपुर में पिछले बार आपने देखा था स्ट्रक्चर आया था और आज जो है पैनल की गाड़ी आ गई है, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। तो जाता हूँ और वो गाड़ी भी खाली करवा के आता हूँ। बाकी नहाना धोना मैंने कर लिया है दोस्तों, अब करता हूँ नाश्ता, नाश्ता करने के बाद निकलता हूँ। तो आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए आज क्या क्या होता है मेरे ब्लॉग। बाकी दोस्तों हल्द्वानी का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप आ गई है देखिए तगड़ी वाली, ये देखिए। तो अब चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे मोहल्ले में बज रही है चीर और चीर बांटने के लिए मम्मी ने निकाले हैं ये कपड़े। तो मम्मी उसमें बांटते हैं, क्या करते हैं? ये चीर बांटेंगे। अच्छा, चीर में ये कपड़े बांधोगे? घर में भी बांटते हैं, पहले मंदिर में। अच्छा, आंवले की टहनी में। आंवले की टहनी में, उसके बाद फिर हम यहाँ पर चीर बांटते हैं, उसमें भी बांधेंगे अपने पूरे परिवार का और इष्ट देवते का नाम का। अच्छा, और आज रंग भी पड़ता है? आज से रंग शुरू। अच्छा, आज से रंग शुरू। अच्छा, रंग डालेंगे आज। तो मेरे कपड़े निकाल दिए? ठीक है, ठीक है, टीका लगाते हुए जाना। ठीक है, तो नाश्ता करवा दो। तो दोस्तों जैसा कि मम्मी ने बताया आज से हमारी होली स्टार्ट हो गई है, तो आज पड़ रहा है रंग कपड़ों में। तो दोस्तों मेरी ओर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक आरव ने भी नहा लिया है। आरव, आज से होली स्टार्ट है, पता है आपको? पता है आज जो है रंग डाल दे, रंग कपड़ों में। आपके भी कपड़े निकालेंगे, उसमें रंग डालेंगे, ठीक है? और जो कपड़ों में आज रंग डालेंगे उन्हीं कपड़ों को आप होली के दिन पहनोगे, ठीक है? हाँ, तो आप जल्दी जल्दी उठो, फिर रंग डालते हैं, ठीक है? हैं, दो मिनट में उठता हूँ, ठीक है। नाश्ते में मैंने बनवाया है आलू के गुटके और रोटी, क्योंकि इसलिए बनवाया है, मैं पहले जो है जल्दी जा रहा था सुबह 5, 5:30, 6 बजे, क्योंकि गाड़ी वाला जो है वहाँ जल्दी पहुँचने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि खाना जो है पैक करा के ले जाऊँगा और वहीं खाऊंगा। अब मैं हो चुका हूँ दोस्तों लेट, बज गया है मुझे 9, तो मैं खाना खा के घर से ही जा रहा हूँ नाश्ता करके। वहाँ देखूंगा दोस्तों, दिन में कुछ छोटा मोटा चीज भूख लगेगी तो खा लूंगा। अभी फिलहाल घर से ही खाना वाना खा के जा रहा हूँ। तो करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों ये बनाए हैं देखिए आज, क्या बनाए? ये है दोस्तों आलू टमाटर की सब्जी, ये ज्योति ने अपने लिए बनाई है। और मैंने कहा था मेरे लिए आलू के गुटके बनाना, तो आलू के गुटके पता नहीं कहाँ है। ये देखो, तू क्या खाएगा? मेरे लिए तो आलू के गुटके बनाए ही नहीं यार। आरो कहाँ रखे हैं? अभी बनाए हैं तो कहाँ, यहाँ पहले बना दिए थे क्या? और ये बन रहे हैं दोस्तों आरो के लिए पराठे, ये तो रोज पराठे खाता रहता है। देखो बाउल गिरेगा आरो। और मेरे आलू गुटके रखे हैं दोस्तों यहाँ, ये ओवन के अंदर, देखिए ये बना रखे हैं। चलो फटाफट लगा दो अब नाश्ता, नाश्ता करते हैं उसके बाद हम जाते हैं अपने काम के लिए, ठीक है आरो? हाँ। बाय बाय। आज से होली स्टार्ट हो गई है तो आरो की निकल गई है देखिए पिचकारी एक दो, ये भी पिचकारी है तीन, और ये क्या है? ये इसका है दोस्तों, यहाँ लगेगा, ये चौथी पिचकारी है। ये सब पिचकारियां आरो ने निकाल के रख दी हैं। और होली वाले कपड़े पहन लिए आरो? कौन सी ड्रेस है दिखाओ, क्या लिखा है इसमें? हैप्पी होली की आरो ने आज ड्रेस पहनी है, देखो दिखाओ, ये देखो हैप्पी होली। दोस्तों ये लग गया मेरा देखिए खाना, आलू के गुटके रोटी सब्जी और चटनी। तो फटाफट करते हैं नाश्ता, उसके बाद निकलते हैं अपने। हैप्पी होली। तो होली हो गई है तो आज से शुरुआत। मम्मी को नहा दिया मैंने, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आरो को भी लगाएंगे, आरो को भी लगाएंगे, इधर को आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। हाँ, ये आरो को भी लगाओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली, जय कान्हा की जय। हमारा कान्हा तो यही, ये देखो आरो को भी हैप्पी होली, जय होली। ओ ये लग गया, आप तो यही पहनेगा आरो, ठीक है? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आज से होली हो गई है।
हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो होली का रंग भी लग चुका है आज। अब चलता हूँ, नाश्ता ही मैंने कर लिया है, अब फटाफट निकलता हूँ दोस्तों। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, 10 मिनट को हल्द्वानी में बज गए हैं। वहाँ पहुँचते दोस्तों 2-2.5 घंटे और लगेंगे, तो फटाफट निकलता हूँ, जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और फटाफट चलता हूँ। बाकी रास्ते की भी आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ और गाड़ी में करते हैं आगे की कुछ और बातें। तो आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ ब्लॉग में। फिलहाल अभी यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, तो चल मिलता हूँ आपको सीधा। गाड़ी भी दोस्तों हो रही बहुत ज़्यादा गंदी और मम्मी भी यहाँ पर बैठ करके, मम्मी बाय बाय, शाम को आते हैं ठीक है। हाँ जल्दी आता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी भी कर दिया स्टार्ट, थोड़ी देर गाड़ी को रख देते हैं स्टार्ट। बाकी महादेव जी के भी सुबह सुबह गाड़ी में बैठते दर्शन हो जाते हैं। जय हो भगवान जी, यात्रा बढ़िया से हो, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। बाकी थोड़ी देर स्टार्ट करने के बाद हो जाते हैं दोस्तों यहां से गायब। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ घर से, अब जाता हूँ और फटाफट अपना वहाँ काम निपटाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आना है घर को। आज रंग भी पड़ रहा है, रंग तो खैर मैंने लगा दिया है, शाम को मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम भी हो सकता है घर पे। तो फटाफट अपना काम निपटा के, मम्मी ने बोल रखा है जल्दी जल्दी आ जाना, तो चलते हैं और आते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो बने रहिए दोस्तों। आप आते हैं पहले गाड़ी में पेट्रोल, ये मैं पहुँच चुका हूँ पेट्रोल पम्प के पास। ये देखिए इस पर भी तेल है नहीं दोस्तों, तो डलवाते हैं पहले तेल, उसके बाद जाते हैं आगे को। पेट्रोल तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाजपुर। ये आ गई है बाजपुर की मार्केट। आज हो गए हैं दोस्तों हम बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि रास्ते में था अच्छा खासा जाम। तो मार्केट आ गई है, देखिए बाजपुर में कितना ट्रैफिक हो गया है। बाकी ये है बाजपुर की मार्केट आगे को। यहाँ से हमें लगेगा दोस्तों करीबन 1 घंटा और काशीपुर जाने में, क्योंकि अभी ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट चलते हैं और आपको मिलते हैं अब सीधे काशीपुर जाके। आपकी यात्रा मंगलय हो। तो हमने सुल्तानपुर पट्टी भी पार कर लिया है, आगे को आ गए हैं हम लोग और इस लाइन में चल रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ट्रक, ये देखिए बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं इस लाइन पर। ये देखिए एक और आया हमारे पीछे से, भाई हम जाएंगे पहले। ये देखिए दोस्तों इधर उधर सब ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ। फाइनली पहुँच चुका हूँ काशीपुर, अब जा रहा हूँ अंदर को कोर्ट की तरफ को। वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ गाड़ी कहाँ खड़ी है, कितना काम हो गया है, फटाफट काम करवा के दोस्तों दोबारा निकलता हूँ मैं। रामनगर होते हुए जाऊँगा दोस्तों हल्द्वानी को, तो चलते हैं फटाफट आगे को। तो यह है दोस्तों आगे को कोर्ट। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं देखिए, आज बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। खड़ी है अपनी गाड़ी और ये आया सामान पेट्रोल पैनल, ये देखिए। तो दोस्तों अभी चला हुआ है काम, ये देखिए अभी लगता है इसमें थोड़ा और टाइम, ये देखिए। हाँ दोस्तों यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद जाएंगे घर पे जब गाड़ी खाली हो जाएगी, उसके बाद निकलेंगे। अभी लगा पड़ा है, चला है अभी काम, अभी लगता है थोड़ा और टाइम। ये देखिए अभी काम जोरों शोरों में है। काशीपुर से फ्री, गाड़ी भी हो गई है खाली, अब कल सुबह आएगी दोस्तों गाड़ी हल्द्वानी के लिए। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी की तरफ को। मेरी गाड़ी खड़ी है दोस्तों यहाँ पे, तो अब बैठते हैं गाड़ी में, फटाफट निकलते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं दोस्तों रामनगर होते हुए। मार्केट आज मैं जा रहा हूँ रामनगर के रास्ते से, थोड़ा सा मेरा यहाँ भी काम है, जाता हूँ। बाकी ये रही दोस्तों रामनगर की मार्केट, ये देखिए अच्छा खासा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ भी आज। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुंचते दोस्तों हो गई मुझे रात, अभी भी मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, हल्द्वानी एंटर हुआ हूँ। तो जाता हूँ अभी, घर पहुंचने में लगेगा दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम और।
तो फिलहाल चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधे घर जाके। आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई दोस्तों, पूरा दिन लग गया काशीपुर जाने में तो अच्छी खासी रात हो गई है। ये देखिए हल्द्वानी में, ये देखिए तो मैं रुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैंने सुनी एक बहुत बढ़िया आवाज़ बगल में हो रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया भागवत, तो देख के आता हूँ आपको भी दिखाता हूँ एक झलक। तो चलते हैं दोस्तों भागवत की ओर को और आपको भी दिखा के लाते हैं। देखिए भागवत अंदर पे, तो अंदर देख के आते हैं। देखिए अभी बज रहे हैं रात के 9, लेने आ गया है देखिए आरव। है आरव, चले चलो फिर पानी पिलाओ यार, मुझे बहुत थकाई लग गई। आरव धो गया है, मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। बाकी अब करता हूँ डिनर, उसके बाद दोस्तों मिलता हूँ आपको। आज देखते हैं डिनर में क्या बना रखा है ज्योति लोगों ने शाम को। फटाफट खाते हैं डिनर, आप बहुत ज़्यादा थकान लग गई है दोस्तों। डिनर करके उसके बाद करते हैं रेस्ट, तो पहले करते हैं डिनर और भूख भी लग रही है। और बहुत लग चुका है अपना डिनर, चटनी दही और ये है चने की सब्जी और रोटी। तो दोस्तों डिनर भी हो चुका है, अब करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त। आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।